Hey guys, welcome back again on channel. हम जब किसी भी तरह का इंटरनेट पर काम करते हैं तो उसको करने से पहले हमें हमारे बारे में कुछ डिटेल पूछा जाते हैं। वो हमारे बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारी एज कितनी है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। इस तरह की कुछ जानकारी इंटरनेट हमसे पहले लेता है, उसके बाद ही वो हमें कुछ जानकारी देता है। और उस जानकारी के लिए हम सबसे ज़्यादा हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पे हम बहुत सी चीज़ें करते हैं, जैसे कि शॉपिंग है और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए हमें ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। और मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पर ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ईमेल के आविष्कार के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। ईमेल के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, जिसे सभी लोग कहते हैं कि ईमेल या फिर मेल कहते हैं। उसका पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक प्रकार का डिजिटल मैसेज है। जैसे हमारे इंडिया में हमें कोई भी लीगल काम करने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही इंटरनेट पर कोई भी लीगल काम करने के लिए ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम वर्चुअल एड्रेस या इंटरनेट का आधार भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर ईमेल डालने के बाद ही हमें कोई भी वेबसाइट या फिर ऐप पर एक्सेस मिलता है। ईमेल के लिए डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत होती है और इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है, पर ईमेल को प्राप्त करने के लिए आपका ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है, वो कभी भी आप देख सकते हैं। वैसे ईमेल का आविष्कार करने का दावा दो लोग करते हैं, उनमें से एक है भारतीय मूल के डॉक्टर शिवा येदुरई का। उनका दावा है कि उन्होंने 14 साल की उम्र में ईमेल की खोज की थी। उन्होंने 30 अगस्त 1982 में ईमेल का आविष्कार किया और इस काम में उन्होंने 1978 में कामयाबी मिली। उन्हें पूरी तरह से इंटर ऑफिस मेल सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और फिर उन्होंने इसे ईमेल नाम दिया और 1982 में इस आविष्कार को उन्होंने कॉपीराइट भी कराया। सबसे पहला ईमेल बनाने का दावा अमेरिका के रे टॉमिलसन ने भी किया था। उनका मानना है कि उन्होंने सन 1971 में सबसे पहली बार ईमेल भेजा था। टॉमिलसन ने उस ईमेल को खुद को ही भेजा था एक टेस्ट ईमेल मैसेज के तौर पर, जिसमें उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे थे जो कि थे QWERTYUIOP, और रे टॉमिलसन ने सबसे पहले @ साइन का उपयोग किया था। लेकिन US गवर्नमेंट ने 30 अगस्त 1982 को शिवा येदुरई को ऑफिशियल रूप से ईमेल के खोजकर्ता के रूप में मान्यता दे दी। ईमेल के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो कुछ स्टडीज़ के अनुसार सोमवार ईमेल भेजने के लिए एक बुरा दिन है। ये वीक का वो दिन है जिसमें हम ईमेल लिखने में सबसे अधिक गलतियां करते हैं। दुनिया भर में ईमेल यूजर्स की संख्या 2023 के अंत तक 4.3 बिलियन यानी कि 430 करोड़ के अधिक होने की उम्मीद है। हर दिन एक एवरेज ऑफिस वर्कर को 121 ईमेल प्राप्त होते हैं। फेसबुक या ट्विटर की तुलना में कस्टमर को प्राप्त करने में ईमेल 40 गुना अधिक इफेक्टिव है। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।